स्लीपर वंदे भारत ट्रेन एक कंसोर्टियम बना रहा। दोस्तों आपको बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस की TMH ग्रुप मिलकर कंसोर्टियम में 200 में से 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने की बोली लगाई थी दोस्तों, और 80 ट्रेनें सप्लाई टीटागढ़ बैगन्स और BHEL कंसोर्टियम के तरह बनाया जाएगा। दोस्तों RVNL ने GM जो मैकेनिकल के अलोक कुमार मिश्रा ने अगस्त में ही कहा था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलो प्रति घंटा होगा और 16 कोच होंगे, जिसमें से 11 थर्ड AC का होगा, 4 सेकेंड AC का होगा और 1 फर्स्ट AC का होगा। दोस्तों उसका कहना था कि कोच को संख्या 20 या 24 भी की जा सकती है। दोस्तों आपके रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मार्च 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही वंदे मेट्रो को भी बनाया जा रहा है, जो कि 12 कोच का होगा, छोटे रूट पर चलाया जाएगा। दोस्तों यानी जनवरी 2024 में आने की उम्मीद है वंदे मेट्रो को, और मार्च में आने की उम्मीद है स्लीपर बंजर का वंदे भारत ट्रेन का। दोस्तों अभी नॉन एयर कंडीशन पैसेंजर ट्रेन आने वाली है दोस्तों, जो 31 अक्टूबर से पहले आएगी दोस्तों, और नॉन AC जो होगी पुश पुल ट्रेन होगी, जिसमें से 22 कोच होगा और 2 लोकोमोटिव लगा होगा दोनों साइड में। दोस्तों इस तरह से स्लीपर वर्जन का वंदे भारत इसी फाइनेंशियल ईयर में बनने वाला दोस्तों, आने वाला दोस्तों इन मार्च 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आ जाने से इसको राजधानी के रूट पर चलाया जाएगा दोस्तों, जबकि अभी जो चेयर कार वाली ट्रेनें हैं, वंदे भारत ट्रेन है, वो शताब्दी की जगह चल रही है। दोस्तों इस तरह से स्लीपर वंदे वर्जन का जो ट्रेन है ऐसे बहुत जल्दी बना रही है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। जय हिंद।